कस्टम फॉर्मेटिंग आज की हमारी टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। एडवांस एक्सेल के अंदर नंबर को अपने हिसाब से शो करने के लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ चेक नंबर लिखते हैं। अब इस चेक नंबर में मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिखे तो यहाँ पे जीरो से, जनरली जो चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, ये कई बार क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट हो जाता है 00 इस तरह से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जीरो एक्सेप्ट नहीं होता। तो जीरो एक्सेप्ट हो इसके लिए हम लोग सिंगल कोट लगा के लिखते हैं इस तरह से, तो आपका जीरो एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। अब पूरे कॉलम में अगर चेक नंबर लिखना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और यहाँ कस्टम पे, यहाँ हम जीरो सॉरी कस्टम पे नहीं है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो फिर सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट में ही जाए। यहाँ तक कि फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा बट परफॉर्म नहीं, क्योंकि टेक्स्ट है, क्या है, टेक्स्ट, इसलिए। क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जांपल करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप टाइप कर रहे हो तो गुड है, बट कई बार क्या होता है कि सम पीपल हमें भेज देते हैं टाइप कर, ठीक है, कई बार हमें कुछ जो है लोग भेजते हैं, तो वहां पे क्या करें, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भेज रहे हैं, भेज दिए डेटा, और डेटा कुछ इस तरह से भी उन्होंने भेज दिया जिसमें जीरो का उसने ख्याल नहीं रखा है, ठीक है। अब इसमें जितना डिजिट कम है उतना जीरो लगाना है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कस्टम फॉर्म, चेक नंबर 6 डिजिट का होता है तो कस्टम में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बार जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, 6 बार जीरो रखेंगे, ठीक है। आ गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए जो आपका 63 है ना, इससे यहाँ पे सिर्फ विजुअल है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ विजुअल को चेंज करता है, मतलब कि किसी एक सेल पे हम सिंगल कोड लगा के 00006 3 कर दिए, अब देखने में दोनों एक जैसा है, अब बोलेगा यहाँ पे अलॉट आ रहा है, यहाँ से हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब दोनों देखने में इकट्ठा लग रहा है एक जैसा, बट ये दोनों एक है ही नहीं, अगर मैं इन दोनों का आपस में बराबर करूं तो क्या रिटर्न आएगा, फॉल्स आया, क्या आया, फॉल्स आया, तो जी हाँ, क्योंकि ये टेक्स्ट ए आपका सिर्फ 00 सिर्फ 63 है, कह रहा है, और ये आपका 0063 है और टेक्स्ट में, टेक्स्ट तो है ही, ठीक है, समझ में आया। लेकिन मैं मुझे मैच करना है, तो ऐसे केसेस में हम फॉर्मेटिंग के जगह पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट का, और वो भी वही मेथड होगा यहाँ पे 00006 times 0 लिख के एंटर मारिए, ये देखिए आपके 63, ठीक है, समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हमने बस वही टेक्स्ट फॉर्मूला दिया, सी फाइल लिया, और जो कस्टम फॉर्मेटिंग में लगाया था ना, सेम थिंग यहाँ में लगा, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में लगाया वही यहाँ,
ठीक है। हाँ उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर में +91 या जो भी कंट्री कोड है, इंडिया +91 है, लिखते हैं कि यहाँ पे 91 इस तरह से दिखते हैं और दिखेगा नहीं। तो आप, मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर लिख लूँ या लिख चुका हूँ, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, +91 लिख के एक सिंपल 0 दे दिया। क्या दिया यहाँ पे, सिर्फ एक 0, ठीक है, सिर्फ एक 0 दे दिया। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा +91 अपने आप। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नंबर है, क्या है, अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर देखिए, इसमें कोई नंबर लिखते हैं तो अगर आपके पास, या फिर मान लीजिए कि आईडी नंबर यहाँ पे है और मैं हर 3 दिन के, 3 डिजिट के बाद डैश लगाना चाहता हूँ, मतलब कि बीच में सेपरेट है, तो कस्टम पे आऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, 000 डैश 00 डैश, ठीक है, जो भी सेपरेटर लगाना है वो लगा लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप होगा तो बीच में डैश लगा, अब डिजिट कम था इसलिए आगे 0 लग गया। ऐसे ही अगर डिजिट की बात हुई तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, और मैं क्रेडिट कार्ड नंबर जो 8 डिजिट का लिखता हूँ, फर्स्ट के 4 एंड लास्ट के 4। उसके बाद यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में आता हूँ, कस्टम पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं 000 लिखता हूँ और एक्स को 8 बार 4 4 के पेयर लिखता, फिर 4 बार जी, तो नंबर कुछ इस तरह से होता, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, कि कभी भी आपका नंबर ओवरलैप नहीं करे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं नंबर 16 जगह डालू, 8 8 कुछ इस तरह से बना दू, तो वो आपका फॉर्मूला कर पाएगा ना कि फॉर्मेट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्लियर है, डाउट इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए अकाउंट नंबर लिखना, यहाँ पे 8 8 7 8 9 10 11 डिजिट तक लिखते हैं तो आपका नंबर शो कर रहा है। अब 11 डिजिट से जैसे ही ऊपर लिखिएगा तो आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको इसके ऊपर नंबर पे आना है, कस्टम पे आना है, 1 0 लगा, क्या लगा दीजिए, जस्ट 1 0, एंटर प्रेस कीजिए, नंबर दिख जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर में आप सिर्फ जो है 15 डिजिट तक का नंबर लिख सकते हैं, 15 के बाद में 2 डिजिट लगाया वो 0 बन। तो कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मैं दूसरा नंबर के लिए कॉमा लगा, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या लग रहा है, नंबर रहेगा, लास्ट के नहीं, लास्ट के 5 डिजिट गायब हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, क्योंकि एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं लेता है। तो ऐसा लिखना हो तो आप स्पेस, 2 3 स्पेस लगा दें, या फिर इसको सिंगल कोट वीक में आप अपने हिसाब से जो मर्जी
नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका कोई नहीं, 32,000 तक लिख सकते हैं, लिमिटेशन तो है बस 32,000 तक लिमिटेशन। हाँ सर, कंट्रोल शिफ्ट वन के लिए आ जाए। कंट्रोल सिर्फ वन करने पे आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं आएगा सर, आएगा, चेक कीजिए। अब बात करते हैं कि मुझे अब मुझे अगर किसी भी नंबर के साथ कुछ लगाने हैं, जैसे हमने 500 लिखा और इसके लास्ट में मुझे MRP देना है या कुछ ऐसा देना है, टेक्स्ट देना है, तो जनरली अगर मैनुअल लिख देते हैं तो क्या दिक्कत होती है? मैनुअल लिखने पर दिक्कत ये होती है कि इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लिखा। क्या नहीं होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, तो कैसे होगा? तो इसके लिए हमें इसको नंबर ही रहना देना चाहिए और इसके ऊपर हम कस्टम में जाए। कस्टम के अंदर यहाँ पे हमें देना है इन्वर्टर कोमा में MR। अब यहाँ ध्यान देखिएगा कि आप जो जीरो देते हैं ना, आपको जीरो या हैश देना पड़ेगा आपके जो नंबर है उस नंबर को शो करने। आप जीरो या हैश नहीं देते हैं तो आपका जो नंबर है ना वो नंबर शो नहीं होगा। जैसे आप MRP लिख ओके कर दिया तो सिर्फ MRP लिखे, मुझे MRP के साथ जो नंबर है उसको शो करना है, तो मुझे यहाँ पे जीरो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जीरो के जगह पे मैं हैश भी दे सकता हूँ, तो हैश और जीरो का कोई फर्क नहीं है। फर्क कब होता है? जब मैं यहाँ पे 00 देता हूँ, यहाँ पे 5 लिखा, अगर 05 होता है, अगर मैं डबल हैश दूंगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं, इस पे जीरो जो है ना आपका नंबर हो गया, जीरो क्या हो गया, हैश या जीरो जो हो गया आपका नंबर हो गया। अब नंबर से पहले दिखाना है या नंबर के बाद में दिखाना है उसके ऊपर आपको करना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट। अब इसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 12 रुपये 35 पैसे या 12 रुपये 65 पैसे। तो मैं रुपीज अलग और पैसे का अलग देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? अब यहाँ पे मैं कस्टम में आऊँ, कस्टम में यहाँ जीरो इसके साथ हैश दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा रुपीज स्पेस डॉट 00 या दूंगा, ठीक है, तो 12 रुपीज एंड 65 पैसा, 12 रुपीज। अब यहाँ पे मैंने जीरो, यहाँ पे मैं एक हैश एक जीरो क्यों दिया, मैं 00 दे सकता था, बिल्कुल। इससे फर्क प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर 65 करते तो इस तरह से 00 दी, तो ठीक है, इसमें हम डबल हैश कर देते हैं, डबल हैश कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो हटाएगा नहीं, दिखाया ना, तो यहाँ पे एक जीरो कर देंगे तो भी ठीक है, लेकिन जब मैं 5 लिखा, 5.635 लिखूंगा तो 05 नहीं आया, इसलिए 1 रुपीज 1 पैसे मिल, ठीक है।
में आया। अब बात करते हैं थाउजेंड से, 2500 मैंने यहाँ पे लिखा, 1000 लिखा। अब मैं इसको 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट करना है, तो कस्टम पे जाऊंगा, यहाँ पे डैश हैश कॉमा या जीरो कॉमा, यहाँ पे हैश हैश या जीरो जीरो कर दीजिए, तो ये आपका 1000 में कॉमा लग जाए। वही अगर मान लीजिए कुछ मत कीजिए तो ये आपका 1000 में आ जाए, 25 दिख रहा है सर। अब इसके आगे कुछ लगाना है इनिशियल, तो यहाँ पे के लगा दीजिए। ऐसे मान लीजिए नंबर बड़ा है तो मिलियन में कर सकते हैं आप, यहाँ पे 0.00 और यहाँ पे डबल, तो 2.13 यहाँ एम कर दीजिए, मिलियन हो गए। सिंगल कॉमा 1000 के लिए मिलियन वाला, तो यहाँ पे 0.00 किया ताकि यहाँ पे 13 आया, अदरवाइज 0 पे डबल कॉमा भी दे सकता था। हाँ 3 0 ले लीजिए, जितना 0 उतना डेसिमल। दो कॉमन, एक कॉमा लगाते हैं तो 1000 में कन्वर्ट होगा, दो कॉमा लगाते हैं तो बिलियन में, तीन करते हैं तो ट्रिलियन में, ठीक है। दिखाने के लिए क्या होता है, कई बार नंबर बहुत बड़ा होता है तो समझना मुश्किल होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए कि यहाँ देखिए हमने कुछ फिगर दिया ठीक है, और यहाँ कुछ फिगर दिया। अब इसमें इसमें क्या लग रहा है आपको कि समझना मुश्किल है कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या? लेकिन इसी को हम क्या, इसी को अगर मैंने लिया और यहाँ पे क्या कर दिया 0.00 एंड डबल कॉम, या ट्रिलियन में ट्रिपल कॉम है यहाँ पे डाल दीजिए टीआर। अब पता चल रहा है ना कि 35.46 ट्रिलियन एंड 56.45 ट्रिलियन, समझ में आ रहा है जल्दी से क्या? हाँ, तो इस केस में यूज करते हैं इसका डैशबोर्ड वगैरह पे दिखाने के, ठीक है ठीक है। विदाउट इसमें चलिए आगे बढ़े। अब डेट की बात कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेट होता है, जैसे डेट होती है तो मुझे डेट की खुद की अलग फॉर्मेटिंग करनी, तो यहाँ कस्टम पे आते हैं और यहाँ हम डी फॉर डेट, एम फॉर मंथ, ईयर फॉर ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे एक बार डी दिया तो 1 2 3 आ रहा है, दो बार करूंगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा, तीन बार करूंगा तो क्या आएगा संडे मंडे ट्यूजडे इन द सोमवार, चार बार लिखूंगा तो पूरा है, पांच बार किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं यहाँ पे डैश डी डी कर दिया कॉमा, यहाँ पे वाई वाई, यहाँ पे एम एम, एम फॉर मंथ एक डालेंगे तो आएगा 1 2 3, दो डालेंगे 3 4 5 6 दिख रहा है ना सर? थ्री करेंगे यहाँ पे, थ्री करेंगे तो अगस्त सितंबर इस तरह से अगस्त एंड फिर स्लैश पॉइंट, तो जैसा मर्जी वैसा फॉर्मेट आप बना सकते हैं। डी डी एम एम वाई वाई को जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट तैयार, ठीक है। समझे? उसी तरह से टाइम है हमारा,
AMPM दीजिए और इसको भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट, एस फॉर सेकेंड और यहाँ पे AMPM विदाउट नंबर मार्क, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंस है, जैसे मैं 32 घंटे 30 मिनट मुझे किसी का डिफरेंस मिला, गलती से जनरल फॉर्मेट में तो प्रॉब्लम होगी। इसमें टाइम फॉर्मेट में अगर करेंगे नॉर्मली तो टाइम आपका 24 आवर्स से ऊपर नहीं लेगा, आपको चूज करना होगा ए वन 37305 जन्म के की, ठीक है। तो दिक्कत इसमें तो एक कस्टम फॉर्मेट में। अब कस्टम फॉर्मेटिंग को और ज्यादा जानने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा, तो मैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक पढ़ना पड़ेगा एक आर्टिकल, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है।